क्या है सर? यस सर, फिर से शुरू कीजिए आप। ओके, तो सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेके चलता है। कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये अपना जेएलसी ये ग्रुप कितना आगे बढ़ रहा है। हर रोज कोई ना कोई नया नया हम यहाँ पे नया सीखने को मिलता है, नया जानने को मिलता है, नया आनंद मिलता है। तो खुशियां भरी है, हमारा एक ग्रुप है जेएलसी का, और बहुत अच्छी सेवा यहाँ हो रही है सबकी। तो जिंदगी तो सभी के लिए एक रंगीन किताब है, फर्क बस इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। खो दो तो याद है और जी ले तो जिंदगी है। जी लो तो जिंदगी है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो लाइफ एक जर्नी है, जीवन एक यात्रा है। हम सब मुसाफर रिटर्न टिकट लेके आए, लेकिन रिटर्न टिकट की साल तारीख हमें कुछ मालूम नहीं है। तो जितना भी जीना है, मस्ती से जीना है, मौज में जीना है। यात्रा हमारी सफल तब होती है कि जब हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। अकेले अकेले जाते हैं तो इतनी मजा नहीं आती है। तो कहते हैं, और कहते हैं कि लाइफ इज ड्रामा, वर्ल्ड इज स्टेज, वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। हम सब तो इस सृष्टि नाटक मंच पर पात्र बजने बजने वाली एक कठपुतलिया है। हमारा सबकी डोर ऊपर वाले के हाथ में, किसकी डोर परमात्मा कब वापस खींच लेगा वो कोई जानता ही नहीं है। तो कहते हैं कि सृष्टि नाटक मंच है, हम तो अभी नहीं कर रहे ये जगत परिवार अपना, प्यार से हम भर रहे सत्कर्म पूजा हमारी, सेवा है आराधना आपकी संतान है। तो परमात्मा की संतान हम, जब हम इस सृष्टि में आए, वैसे जीवन तो हमारा माँ के गर्भ से ही चालू हो गया था, लेकिन सृष्टि में जब आए, जब हमने प्रथम श्वास लिया, उस श्वास और अंतिम श्वास जब हम यहाँ से विदाई लेंगे, तो दोनों श्वास के लिए बीच में जो हमारे पास है, जन्म हमें अपनी चॉइस से नहीं मिलता है और मृत्यु भी चॉइस से नहीं मिलता है, लेकिन उसके दो किनारे के बीच में जो जीवन है, वो उसमें हमारी चॉइस कि हमें कैसे जीना है, कैसे सफल करना है, कैसे निष्फल करना है, कैसे जीना है, कहीं कैसे अंत करना है। और हम जानते हैं कि जो निराश होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, वो अपना जीवन का अंत ला देते हैं। आत्महत्या पाप है, लेकिन वो जीवन से हार जाते हैं। वो ये दुष्ट क्रिया कर लेते हैं और खुद तो दुखी होते हैं और अपने परिवार को भी दुखी छोड़ के जाते हैं। और एक बात है कि एक भाई थे जिनको एक कुछ कांच का टुकड़ा मिलता है रास्ते से, तो बाजार में जाके खड़ा रहते हैं कि चलो ना इसको बेच दूं, जो कुछ आएगा तो मुझे कुछ खाने का इंतजाम हो जावे। एक ग्राहक आता है, बोलते हैं कितने में देगा ये? तो बोला सर 5 रुपया। बोला नहीं 3 रुपया दूंगा। नहीं सर 5 रुपया चाहिए मुझे, 5 रुपया में दे दूंगा। वो भाई नहीं लेते, चले जाते हैं। अभी दूसरा एक कस्टमर आता है, वो 5 रुपये में खरीद के लेके जाते हैं।
अभी वो पहला कस्टमर वापस आता है, अरे भाई वो दे दे चल 5 रुपया, तो 5 रुपया तो साहब वो तो मैंने बेच दिया, तो कह यार मुरख है मुरख, तो तुझे मालूम नहीं वो तो 1 लाख रुपए का हीरा था। साहब मैं तो अनजान था, मेरे लिए तो रास्ते से मिला एक कांच का टुकड़ा था, लेकिन आप तो जानते थे ये 1 लाख रुपए का हीरा है। आपने सिर्फ 2 रुपए के लोभ के खातिर आपने 1 लाख रुपए का हीरा गवा बैठे। तो साधु संत महात्मा सभी हमें यही उपदेश देते हैं कि ये जीवन अपना अमूल्य है, मूल्यवान है, हीरे समान मूल्यवान है, इसे बर्बाद मत कर दा, उसका अंत मत करो। जितना भी पैकेज टूर लेके आप आए हो, पैकेज टूर आपको पूरा करना है, तो इस जीवन में हमें अपना शरीर तंदुरुस्ती का ख्याल तो पहले रखना पड़ता है। और तंदुरुस्त शरीर के लिए हम जानते हैं, जो भी पैकेट हम खरीदते हैं ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, और कैंसर के फोटो भी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम सिगरेट की धुआं में पैसे को उड़ाते चलते हैं। वो धुएं से फिक्र नहीं उठती है, भले शायद कुछ समय के लिए आपको ये लगता होगा, कहते हैं ना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो धुएं ये धुआं नहीं है। फिक्र को धुएं में उड़ाना है उच्छ्वास द्वारा, सिगरेट के धुएं से नहीं। तो ये शरीर जो अनमोल गिफ्ट प्रभु की हमें है, उसमें ना तो तंबाकू गुटखा सिगरेट का धुआं नहीं डालो, मांस मदिरा नहीं डालो। मैं जानता हूं हमारे में से कई नॉनवेज खाते होंगे इसमें से, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि हमारा शरीर हमारा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है, तो मरे हुए मुर्दे को हम अंदर डाले। बी वेजिटेरियन, शाकाहारी बनो, तो हमें ईश्वर यही शिक्षा देते हैं। ईश्वर साधु संत महात्मा गुरु, आप किसी के पास जाओ तो वही बोलेंगे के वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन बनो और ये व्यसन से मुक्त हो जाओ, मदिरा पान मत करो। जैसे हमने पहले भी देखा कि मन मन के ऊपर ही हमारे पूरे जीवन का आधार है, तो जब आदमी पीता है ना, तभी मन उसके कंट्रोल में जरा भी नहीं रहता है, वो क्या बोलते हैं वो भी ध्यान नहीं रहता है, चल भी नहीं सकता सीधी तरह। तो जरूरी है हम व्यसन मुक्त बने और अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखे। मेरी वाइफ अभी यहाँ थी, आपने देखा हो क्या, उनके दोनों घुटने काम बरोबर नहीं कर रहे हैं, एक घुटने का हमने ऑपरेशन करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये करना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, तो हमने ऑपरेशन करवा दिया, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल और सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड डुप्लीकेट, तो आज भी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे घुटने। क्योंकि हम जब छोटे थे स्कूल में थे तो हमें इतना व्यायाम का योग का एक्सरसाइज का प्राणायाम का इतना नॉलेज नहीं था, किसी ने हमें नहीं सिखाया था इतना स्कूल में इतना। ये आज इतना अलर्टनेस आ गई है, सब गार्डन में वॉकिंग के लिए चल रहे हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का ख्याल करते हैं, सुबह मॉर्निंग में यूट्यूब चालू करो तो कितने चैनल्स में देखो यूट्यूब में सुबह सुबह मॉर्निंग में योगा एक्सरसाइज सिखा रहे हैं और सब उसके साथ में करते रहते हैं। हमारे यहाँ जेलसी ग्रुप भी करती है और लाफिंग एक्सरसाइज भी होती है कि जीवन को हम लाफिंग के द्वारा हमारे शरीर में कितने अच्छे अच्छे ये जो पोषक तत्व मिलते हैं जो जरूरी है, और इसका तो नाम ही है लाफ्टर क्लब। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ये कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं अच्छा सत्कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमें व्यसन मुक्त बनना है, तो बाकी जो हमने कहा कि लाइफ इज ड्रामा,
तो जो पार्ट हमने अपने कर्म से मिले हैं, हमने पाए हैं अपने कर्म से, वो पार्ट हम राजी खुशी से बनाए, और हमें हीरो पार्टधारी जीवन जीना है, किसी के जीवन में विलन नहीं बनना है। किसी को बेटे का पार्ट मिला है तो वही, किसी का पापा भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का मामा भी है, सबके साथ उसका पार्ट अलग अलग है, तो उसके पार्ट को हम द्वेष भाव से न देखें, टीका ना करें, निंदा ना करें किसी की। निंदा टीका ये अपने मन को विचलित कर देते हैं। हमारा मन कोई कचरे की बास्केट नहीं है जो कोई भी आके अपने कचरा इसमें डाल जाए। तो कोई ऐसी बात करते हैं तो उसे रोको कि भाई ठीक है, जो जैसा है उसको चलने दो। और जैसे हमने पहले दिया ना, बोल कहा ना कि माफी मांगो और माफी दो, बहुत इजी कहना है कि माफ करो, सॉरी। सॉरी इतना बढ़िया शब्द है, सॉरी थैंक्स एप्रिसिएशन करो। तो सॉरी और थैंक्स ये दो शब्द और फॉरेन में बहुत बहुत उपयोग होता है, लेकिन यहाँ इंडिया में जरा रियली कम है, कम सुनने को मिलता है। क्या हमें ही सहन करने का, उसकी भूल उसको दिखाई नहीं देती है। क्या हम बड़े इसीलिए, ऐसा काफी झगड़ा होता है और झगड़े में किसी को सुकून नहीं मिलता है। तो एक सरदार जी थे, एक जोक्स याद आ रहा है कि एक सरदार जी पान के गल्ले पे जाते हैं और पान वाला उन्हें कहता है कि क्यों सरदार जी आज उदास क्यों हो, क्या हो गया? तो कहे यार एक सेमिनार में जाना है, वहां एक ऐसा प्रश्न हमें रखना है कि जिसका जवाब किसी को भी आए नहीं, और जिसका सवाल का जवाब किसी को ना आए उसको वहां से प्राइज मिलने वाला है। तो मैं प्राइज लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न माइंड में आता नहीं है। तो पान वाला कहता है इजी है, मैं आपको प्रश्न देता हूँ, आप वो प्रश्न पूछ लेना। तो बोलो चलो, बोलते मेरी माँ को एक संतान हुई, ना वो मेरा भाई था ना वो मेरी बहन थी, तो वो कौन था? सरदार जी विचार में पड़ गए कि ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। तो बोला मुझे तो जवाब नहीं आता, आप ही बता दो। तो पान वाला बोलता है मैं खुद ही। सरदार जी तो खुश हो गए और गए सेमिनार में। वहां जाके उन्होंने चालू कर दिया प्रश्न पूछना, कहा कि मेरी माँ को एक संतान हुई, न वो मेरा भाई था न वो मेरी बहन थी, तो कौन था? सब सरदार जी सोच में पड़ गए, अरे क्या होगा क्या होगा, जवाब क्या होगा। तो किसी को जवाब मालूम नहीं था। बोला ठीक है भाई, अभी आप ही बता दो। तो क्या वो तो कल्लू पान वाला, तो कल्लू पान वाला ने बोला था ना मैं खुद ही। तो खुद ही, जब तक खुद को नहीं जानेंगे ना तब तक खुदा को भी नहीं जानेंगे। और जरूर है सोमा वस पड़ती खस एटलुज बस। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए आत्मचिंतन, अंतर मन में ज्योत जलावल कहते हैं ना, अंतर मन में ज्योति जगालो, होगा दूर शिव का करे लो ध्यान आराम, पावन पुण्य सवेरा रे, अंतर मन में ज्योति जगा लो,
होगा दूर अंधेरा, तुम हो कौन कहां से आए, अपने आप को पहचानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता को पहचानो, इस राजपथ इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा रे, होगा दूर अंधेरा। तो परमात्मा को पाना है तो परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा से बातें करो, अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो सुख के लिए जरूरी है आध्यात्मिकता, और आध्यात्मिकता द्वारा आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो, हायर लेवल पर लेके जा सकते हो। छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देंगे, यही अपने जीवन जीने की कला है कि परमात्मा को अपना मानो, और वो अगर अपना साथी मान लिया और वो साथी बन गया तो ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाएगा, जीवन प्रभु सौगात है फिर काहे फिकरात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। और कितना ही कहो के जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा में है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। हर मुश्किल से निकालने वाला वो प्रभु, प्रभु खुद नहीं आते हैं, प्रभु इशारा करते हैं, अपने को मार्गदर्शन देते हैं, प्रभु किसी न किसी को निमित्त बना के अपना कार्य पूरा करने के लिए भेज देते हैं। एक तो कहते हैं ना कि प्रभु को फरियाद न करो, प्रभु को याद करो, याद करते रहो, कोई भी कर्म करो, कर्म करते करते याद करो। हम सुबह उठते परमात्मा को थैंक्स कह दो, प्रभु को गुड मॉर्निंग करो, अपनी मॉर्निंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। पानी जल जिससे हमारा जीवन चल रहा है वो जल बहुत सेंसिटिव है, जापान के साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया है, 2 ग्लास पानी का भर के रखा है, कांच के 2 ग्लास पानी के भर के रखे हैं, और एक को एक में उधर चिपकी लगाई है आई लव यू और दूसरे में आई हेट यू, दोनों पानी को एक दिन के लिए साइड में अलग अलग जगह पे रख दिया है। तो जो आई लव यू
जो पानी था जिसमें आई लव यू लिखा था वो पानी एकदम अच्छा हो गया था, और जो दूसरा आई हेट यू था वो पानी दूषित हो गया था। तो कहने का तात्पर्य है, आपके आपके हाथ में जब पानी का ग्लास आता है तो पानी को अपनी दृष्टि दो। दृष्टि में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। दृष्टि दो और मन ही मन प्रभु का स्मरण करो। जो भी मंत्र में आपको श्रद्धा है ना उसका स्मरण करो, ओम नमः शिवाय श्री कृष्ण शरणम या गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र में श्रद्धा हो उस मंत्र का स्मरण करके वो पानी को आप चार्ज करो। आप मोबाइल की बैटरी तो चार्ज रोज करते हो, तो पानी को भी चार्ज करो, और वो चार्जिंग किया हुआ पानी आप पियो। आपके शरीर में योग्य शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी तरह भोजन को भी चार्ज करके, भोजन पहले प्रभु को अर्पण करो, प्रभु को याद करके भोजन बनाओ। अगर आपके घर में कोई कुक रसोई बनाता है तो ठीक है, लेकिन बाद में आप जाके वो चमचे घुमाते हैं ना दाल के अंदर साग के अंदर, ऐसे प्रभु नाम स्मरण करके करके आप घुमाते रहो। और अच्छा तो ये है कि अभी YouTube में इतने सारे सब लेक्चर से मंत्र है भजन है, वो सुनते सुनते आप रसोई बनाओ, रसोई आपकी प्रसादी बन जाती है। वो योग्य शक्ति और ऊर्जा आपके शरीर में और आपका शरीर स्वस्थ रखने में मदद करेगी। और उसी तरह नाइट को जब सोने जाते हो तो परमात्मा की याद में निंद्रा की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 मिनट पहले परमात्मा के सामने बैठ के जो भी मंत्र मार पाठ जो भी श्रद्धा है वो करो। और दूसरा कि प्रभु मेरे से आज जो भी गलती हुई है उसकी मैं माफी मांगता हूँ। जिसकी भी गलती हो गई है मेरे से या किसी को मैंने कुछ बोल दिया तो मैं माफी मांगता हूँ। तो जैसे जैसे अपना मन एकदम लाइट हो जाएगा आपको चैन की नींद आ जाएगी, जैसे योग निंद्रा होती है। 3 मिनट की योग निंद्रा 3 घंटे की निंद्रा से बराबर हो जाती है। तो उसी तरह हमें प्रभु को याद करना है जीवन सफल करने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए, आध्यात्मिकता द्वारा अपने मन को शांत करने के लिए, मन को खुश रखने के लिए। तो और कुछ टिप्स है जो आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी मूर्ख के साथ दलील मत करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, कभी मौन धारण करो। और जो ज्ञानी होता है उनको आप मान पूर्वक प्रेम से सुनो, और सबको स्माइल प्लीज स्माइल। हम कैमरे के सामने होते हैं, सेल्फी लेना होता है तो स्माइलिंग फेस आ जाती है, तो ऐसी स्माइलिंग फेस हमारी ईश्वर देखना चाहते हैं, तो हमेशा स्माइल। और किसी के जीवन में दखलंदाजी मत करो, और किसी को अपनी स्वतंत्रता में दखलंदाज करने मत दो। कोई भी संकोच नहीं, स्मित से नमस्कार, थैंक यू, सॉरी, स्मित से किया हुआ हर आपका वर्ड्स बहुत बहुत सामने वाले को सुकून देगा। और किसी से कोई मान मिले, पान मान पान मिले, कोई मेरा एप्रिसिएशन करे, मेरा प्रशंसा करे, ऐसी धारणा में भी नहीं रहना है। और जितने भी सफल व्यक्ति है उसकी ईर्ष्या होती है, और जो निष्फल व्यक्ति है उसकी टीका होती है, मजाक होती है। तो ये सब जो सर्टिफिकेट है ना कोई हमें देते हैं ना, तो उसको तकलादी समझो, क्योंकि जो आज हमारी प्रशंसा करते हैं वो कल हमारी टीका भी करने वाले हैं, तो वो सर्टिफिकेट हमारे काम का नहीं है। हाँ, ईश्वर का सर्टिफिकेट लो, वो सत्कार्य करके जाओ कि ईश्वर का सर्टिफिकेट दे के नहीं, ये मेरा भक्त है। तो शरीर समय और संपत्ति ये और संबंध ये सब अल्पकालीन है, तो इसे संभाल के रखना है। और जो हमें प्राप्त हुआ है वो योग्य है,
हमारी योग्यता के अनुसार मुझे मिला है। वैसे तो ईश्वर हमें अपनी योग्यता के ज्यादा देते हैं, योग्यता से भी ज्यादा दे देते हैं। तो अभी का जो समय है वही हमारे जीवन की इम्प्रिंट तैयार कर रहा है। तो अपनी कार्यशीलता, तंदुरुस्ती, शोक, वैचारिक आध्यात्मिकता, आंतरिक शक्ति को हाई लेवल पे लेके जाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए अपना समय दीजिए। और किसी की टीका नहीं करनी है, और किसी के सामने ऐसे हम बिचारे हैं उनकी सहन क्या बोलते हैं अपना ये सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, अरे अपना मेरा तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। जो भी कहना है प्रभु के सामने जाके बैठो, प्रभु इशारा कर देंगे, किसी ना किसी को निमित्त भेज देंगे। और कुदरत के ऊपर बहुत विश्वास रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, दृष्टा भाव से परम आनंद और पूर्ण शांति की प्राप्ति होती, उसकी अनुभूति होगी आपको। तो ईमानदारी, वफादारी और प्रामाणिकता, ऑनेस्टी अपनाइए, वडिलों को मान दीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए। जीवन प्रभु की प्रसादी है, अनमोल भेंट है, जैसे हमने पहले कहा। तो जीवन को संभल के, जीवन को अच्छी तरह से जिए, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। किसी प्राणियों की हत्या मत करो, किसी प्राणियों की हत्या मत होने दो। तो शायद मेरे ख्याल से अभी समय पूरा होने को जा रहा है। तो बिंदु बिन जैसे आप कहिए, बाकी तो कहते हैं कि जिंदगी सो जोर शोर से कह रहे हैं कि जो हासिल करना चाहते हैं वो कर लो, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है। कौन कहती है? जिंदगी कहती है कि मेरा कोई भरोसा नहीं है। समय, जीवन, समय और जीवन संसार के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जीवन हमें समय का सदुपयोग करना सिखाते हैं, और समय जीवन का सदुपयोग करना सिखाते हैं। समय हमें जीवन का सदुपयोग करना सिखाते हैं। समय की मर्यादा के हिसाब से कहना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय की मर्यादा के हिसाब से हमें ये सेशन पूरा करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको समझा दूं, सिखा दूं, कई लोग जानते भी होंगे कि हम किसी के बर्थडे में जाते हैं या लग्न के दिन जाते हैं, मेरिट में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? खाते पीते मौज करके वापस आ जाते हैं। कोई ऐसा है जो वहां बैठ के प्रभु को प्रार्थना करते हैं? वहां उसमें लिखा है मैरिज की, जो आपको इनविटेशन कार्ड आते हैं कि आशीर्वाद देने आना, कितने लोग जाके वहां आशीर्वाद दे के आते हैं? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है, लेकिन आशीर्वाद कितने लिया? तो मैं आपको एक पद्धति सिखाता हूँ। आप घर में बैठ के भी ये कर सकते हो, भले कहीं पे भी मैरिज हो, कहीं पे भी बर्थडे हो, या किसी का भी कहीं पे भी हो, तो आप जाके वहां पे आप अपनी शुभकामना उसे पहुंचा सकते हैं, दुआ उसे पहुंचा सकते हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और यहाँ पे ये समझो एक चद्दर है, लाल रंग की चद्दर है, शुभ चादर है, और इस चादर में हमें स्वस्तिक बनाना है। तो स्वस्तिक बनाना है कैसे है के नारायण 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 नारायण। अभी चार बॉक्स है, यहाँ राम 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 राम, चार बार राम राम लिख लिया। अभी ये साइड में और दो रेखाएं करनी है, खींचनी है, नारायण नारायण, और यहाँ भी नारायण नारायण। ये अपनी शुभेच्छा गुड विशेष की चद्दर तैयार हो गई है। ये अपने एक हैंड में है, तो हमें दूसरा हैंड यहाँ पे जोड़ देना है। ये दो हाथ जोड़ के अभी ये चादर हमारी दोनों हाथ में हो गई है, तो हमें प्रभु का नाम लेना है 21 बार। आप 42 बार भी ले सकते हो, 83 बार भी ले सकते हो, तो 21 बार हम लेंगे।
राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम अठारह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस। और ये चादर भरी, ब्लेसिंग भरी चादर आप जिन्हें भी पहुंचाना चाहते हो उसे पहुंचा दो। आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद उन्हें जरूर से पहुंच जाएंगे। यह नारायण रेकी संस्थान जो गोरेगांव में चलती है, गोकुल धाम में, वहां पे जाके आप ये नारायण रेकी सीख सकते हो। बहुत बढ़िया है, या तो यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन है सत्संग के। तो खास ये ब्लेसिंग आप दो किसी को, कहीं पे भी जाओ, मैरिज में जाओ, कहीं पे भी, तो रियली जाके एक बार एक साइड में बैठ के किसी से, नो डाउट मैरिज में तो हम गेट टुगेदर हो जाता है, सब मिलना होता है, लेकिन आप एक साइड में बैठ के प्रभु से प्रार्थना करो कि भगवान इसका भला करो, इनका जीवन अच्छी तरह से जिए, ऐसा करो। तो इस तरह मैं अपना वक्तव्य अभी पूरा करता हूँ, जो टाइम दिया था मुझे उस टाइम में। भरत भाई, बिंदु बहन, थैंक यू। हरेश भाई, और बाकी मेरा जो परिचय देना मेरा रह गया था, मैं आपको बता दूं कि भजन सत्संग और प्रार्थना सभा के प्रोग्राम में फ्री ऑफ चार्ज में देता हूं। कहीं पे भी कोई भी ज्ञाति के लिए, कोई भी कास्ट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी और कोई भी समय पे। ये एक सेवा भगवान ने निमित्त बना के ही है कि जहाँ सब शोकातुर है वहाँ उनके आंसू पोछने जाना है, तो मैं वहाँ जाके भजन सत्संग करता हूँ और अपनी तरह से पूरा प्रयास करता हूँ कि उनके दुख में सहभागी होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो कहीं पे भी जेएलसी में कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना, कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा आपके लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि देखो सब में कहीं ना कुछ ना कुछ ना कुछ विशेषता होती है, तो हमें जो अपनी विशेषता अपने जो परमात्मा की देन से मिली है उसकी विशेषता का सदुपयोग करना है, करते रहना है। थैंक यू बिंदु बहन, थैंक यू हरेश भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ पे आए, सबको धन्यवाद। आप सबने मुझे शांति से सुना, तो जो आपको अच्छा लगे है वो अपने आचरण में लेना। थैंक यू वेरी मच भरत भाई। हाँ जी, संभाई से। हाँ जी, बोलो। हाँ बोलो। भरत भाई, एक्चुअली तो लास्ट ईयर मैंने आपका एक दो भजन सुना था, वो हिसाब से लास्ट ईयर प्रोग्राम रखा था। ये साल भी मैंने तो भजन के लिए रखा था, मगर आपने बोला कि जीवन की कला के बारे में, तो एक आपका आज नया रूप देखने को मिला रियली। और जो आपने आशीर्वाद के लिए बोला कि हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलते हैं, वो फैक्ट बात है। ये भी जो आपने राम और नारायण का किया वो भी बहुत अच्छा लगा। वो दूसरी बात कि कोई हमको क्यों याद करे, उसका एक गाना भी है, क्योंकि आप जो भजन भी गाते हैं और फिल्मी गाना, तो कभी कभी मुझे बहुत याद आता है। अगर आप दो शब्द भी गा लो कभी कभी का, कोई मुझको क्यों याद करे, तुमसे बेहतर सुनने वाले, तुमसे बेहतर गाने वाले, उसका दो लाइन अगर पॉसिबल हो तो गा लीजिए। बाद में बिंदु बहन एक एक को जिसको कुछ पूछने का है उसको अनम्यूट करेंगे। कौन सा गीत है जरा थोड़ा याद कराएंगे? कभी कभी का। सुनने वाले तुझसे बेहतर गाने का है ऐसा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आए और आकर चले गए। खिंचाई जवाई थे तुझसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर तो करो बिंदु बहन वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, यूं कोई मुझको याद करे,
मनु जमान मेरे लिए क्यों अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू वेरी मच बिंदुबेन, तमारे काई पूछवा इने जेने पण पूछवा इने बोला करो। आपने आपने जो भी गीत गाए ना, बहुत भक्ति रस में डूब के गाए, ये आपकी खूबी है। आपने आज जो भी भजन गाए, जो भी पिक्चर के सॉन्ग के राग भी क्यों ना हो, लेकिन आपने बहुत भक्ति में डूबने वाला राग लिया है। तो जो जो दिल से, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे भीतर से जो आपने गाया ना, आपने जितना भीतर को पाया है ना, यही कारण है जो आप अपने गीत में बिल्कुल भीतर चले गए। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें बहुत आकर्षित कर गया है। आपको अभी हमारे यहाँ भजन गाने जरूर आना है। जरूर जरूर, जब भी याद कीजिए, माजरी है। और एक अंत में कितना कहते हैं, अपना भजन रखेंगे, एक भजन। और कहते हैं ना कि ये जो है ना, सब ईश्वर की देन है, ईश्वर के वरदान है। और वरदान के लिए एक छोटी सी एक दो पंक्तियां है। वरदान लुटाने वाले, सत ज्ञान सुनाने वाले, आठो ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सत ज्ञान सुनाने वाले, चुप रहना चाहे हम ये आंखें बोलती हैं, इनमें बसता है तू, ये बेद ये खोलती है, चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सत ज्ञान सुनाने वाले। बहुत सुंदर भरत भाई, आप सिंप्लिसिटी में बहुत कुछ कह देते हो। बस आपने भक्ति में डूबने वाले गीत भी ऐसे पसंद किए जो लोगों को सुनने में मजा आए। सच में आप दोबारा कब आ रहे हो ये बता दो। जब भी आपको आप याद कर सकते, आप जितना हो सके 15 दिन के अंदर अंदर एक बार वापस आइए। मैं तो चाहूंगी आप 2-3 बार आइए, क्योंकि आप सबके मैसेज पढ़ोगे ना चैट, तो मालूम पड़ेगा लोगों को, आपका फोन नंबर तक चाहिए। 9322। कोई भी प्रार्थना सभा भजन सत्संग विदाउट चार्ज, और साथ में मेरा माइक भी लेके जाता हूँ कि सामने वाले को माइक का भी खर्चा ना लगे। नहीं, तो हम तो वैसे ये विदाउट म्यूजिक, जैसे आपने आज सुना भक्ति गीत, वैसे विदाउट म्यूजिक में हम गाते हैं, मैं और ये मेरा मिसेस इना जी मुलिया, हम दोनों करते हैं। भरत भाई, हमें सिर्फ भजन नहीं, जैसा आपने आज समझाया है, सत्संग में भजन, सत्संग में भजन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जैसे क्योंकि ये मैंने सीखा है पुनीत महाराज से, पुनीत महाराज के जितने भी जन कल्याण आता था, हाँ, तो उसमें वैसा ही है, उनका भजन के साथ में सत्संग की बातें रहती है, उसी तरह से मैंने अपना ये क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर है, चाहिए भक्ति रस भी चाहिए, दोनों साथ में। आप अंदर से आप बिल्कुल दिल से गा रहे हो, सच बताऊं मैं। कुछ चीजें होती है।